अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो मैं आपको एक खबर बता देता हूँ खबर यह है कि इंडियन नेवी ने एक टेस्ट किया ये टेस्ट उन्होंने अपने एक वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सर्फेस टू तो एयर मिसाइल का किया डी आर डी ओ जो कि इंडिया की एक, एक एजेंसी है जो कि ये एडवांस रिसर्च वगैरह जो है वो करती है वेपन के ऊपर वेपन वगैरह बनाती है वो इंडियन नेवी के लिए एक शॉर्ट रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल तैयार कर रही है अब ये जो टेस्ट किया इंडियन नेवी ने ये उन्होंने अपने एक शिप से किया है इस मिसाइल को एक वर्टिकल लॉन्च सिस्टम के अंदर रखा गया और चौबीस जून को इस वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से इस मिसाइल को जो है वो फायर किया गया हाई स्पीड टारगेट के ऊपर के ऊपर कि फायर किया जाता है और इस तरह से आप अपने मिजाइल की जो एक है आप अपने मिजाइल के जो मुख्त किस्म के पैरामीटर टेस्ट करने होते हैं उनको आप जो है वो जज करते हैं और यही सारा कुछ जो है वो इस टेस्ट के अंदर किया गया इंडिया ने कहा कि जी इस मिजाइल ने अपने

एयरफोर्स ने उसका ऑर्डर जो है वो भी प्लेस कर दिया है आई बिलीव के मई के महीने में इंडिया ने इस मिसाइल का जो ऑर्डर जो है वो प्लेस किया है तकरीबन साढ़े तीन सौ के करीबी मिजाइल जो है वो इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स ने जो है उनका ऑर्डर दिया है देखें ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है आप अपने मुल्क के अंदर अपने जहाजों के ऊपर अपना मिसाइल जो है वो लगाने जा रहे हैं इससे पहले इंडियन जो है वो ज्यादातर रशियन मिसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं अब रशिया से मिसाइल बनेगा आएगा आपको महंगा भी पड़ेगा इंडिया जो अपना मिसाइल अपने मुल्क के अंदर खुद से बनाएगा और अगर उसकी एयरफोर्स और उसकी नेवी

का तेजस जो है वो भी इस मिसाइल को फायर करेगा इंडिया का मिग 29 जो है जो कि उसकी नेवी के पास है जो कि उसकी के पास है वो भी इस मिसाइल को जो है वो फायर करेगा बल्कि तीन सौ चार सौ मिसाइलों का ऑर्डर इंडिया ने इस वक्त किया है उसके अंदर इंडियन नेवी नेवी ने, ने, ने भी जो जो है है वो वो हिस्सा डाला इस वक्त इंडिया की मिग ट्वेंटी नाइन के जहाज इस्तेमाल कर रही है तो इंडियन नेवी भी एक्स्ट्रा मिसाइल जो है उसको परचेस करेगी तो ये एक मिसाइल इंडिया ने तैयार किया है और उसको उसकी नेवी भी इस्तेमाल करेगी एयर टू एयर वर्जन के लिए और वही नेवी इसको अब सरफेस टू एयर मिजाइल के तौर पर भी इस्तेमाल करेगी अमेरिका ने एम मिसाइल जो है उसको तैयार कर रखा है अमेरिकन एयरफोर्स जो है वो एम मिसाइल इस्तेमाल करती है 2022, F35, F15, F16, तमाम जहाज जो हैं इस मिसाइल को फायर कर सकते यही अमेरिका का प्राइमरी एयर टू एयर मिसाइल है लेकिन हमें यह भी पता है कि अमेरिका इस मिसाइल को सरफेस टू एयर मिसाइल के तौर पर भी इस्तेमाल करता है देखिए मिसाइल एक ही है उसके वर्जन डिफरेंट है और आने वाले दिनों के अंदर जब एक मुल्क अपने लिए कोई एक ऐसा एयर टू एयर मिसाइल बनाएगी तो उस मिसाइल को बनाने के वो उस मिसाइल को सरफेस टू एयर मिसाइल के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकती है वो अपनी नेवी के शिप्स के ऊपर मिसाइल के ऊपर इसको इसको के, या किसी और के जो है वो इस्तेमाल कर सकें जैसा कि हमें पता है कि एमरा मिजाइल जो है वो अमेरिकन हम के ऊपर के तो इस्तेमाल करते हैं इसको बेसिकली अमेरिकन कहते हैं हाई मोबिलिटी लॉन्चर एच इसके ऊपर उन्होंने चार एमरेल रखे

लोकेशन के ऊपर भी जो है वो रख सकते हैं और अपने एरिए को जो है वो डिफेंड कर सकते हैं अगर आप इसको ट्रक के ऊपर लेके जाके मोबाइल कर लेंगे तो इसकी हिफाजियत और बढ़ जाएगी लेकिन उसमें जो है वो फिर आपकी कॉस्ट का मसला आ जाता है तो एक फिक्स जगह पे रखने से आपकी कॉस्ट जो है वो काफी ज्यादा जो है वो कम हो जाती है इस मिजाइल सिस्टम को फिनलैंड को एक्सपोर्ट किया गया नैदरलैंड को स्पेन को ओमान को चिली को ये सारी कंट्रीज जो है वो ये मिजाइल इस्तेमाल कर रही है ये मिजाइल सिस्टम इस्तेमाल कर रही है इनके अंदर जो बेसिक मिजाइल है वो एक एमरैम इस्तेमाल हो रहा है अमेरिका इस मिजाइल सिस्टम को अपने वाशिंगटन डीसी के इर्द गिर्द जो है उसने लगाया हुआ है मतलब उसने अपने कैपिटल की प्रोटेक्शन के लिए ये मिसाइल सिस्टम जो है अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है तो मिसाइल बेसिकली एक है उसके आप देखें कि इस्तेमाल कितने ज्यादा इस वक्त हो रहे हैं एयर टू एयर के तौर पर भी इस्तेमाल हो रहा है उसको आपने एक हम्बी के ऊपर भी जो है वो लगाया हुआ है एक ट्रक के ऊपर भी आप उसको लगा सकते हैं उसको आप फिक्स सरफेस टू एयर मिजाइल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं तो कहने का मकसद ये है कि जब आप एक मिजाइल सिस्टम तैयार कर लेते हैं ना तो उससे आप काफी ज्यादा फायदे जो है वो ले सकते हैं सेम चीज अब इंडिया ने भी करनी शुरू कर दी है इंडिया ने एक एक्स्ट्रा एयर टू एयर मिसाइल जो है उसको तैयार किया उसको अच्छे तरीके से बनाया और आज इंडिया ने उसी मिसाइल का एक दूसरा वर्जन जो है वो अपनी नेवी के लिए वर्टिकल लॉन्च सिस्टम के लिए बना लिया है ठीक है वो थोड़ी सी चेंजेस बीच में उनको करनी पड़ती है लेकिन बेसिकली जो मिजाइल सिस्टम है वो तो एक ही है इसी तरह से अगर आप इस वक्त देखें तो तुर्की भी एक अपने मिजाइल के ऊपर काम कर रहा है एक मीडियम रेंज मिजाइल के ऊपर काम कर रहा है और एक शॉर्ट रेंज इंफ्राड मिसाइल के ऊपर काम कर रहा है तुर्की इस मिसाइल को परफेक्टली जो है वो टेस्ट कर लेगा और तुर्की समझेगा कि अब इस मिसाइल को वो अपनी मिलिट्री के हवाले कर सकता है तो वो इसके और वर्जन भी तैयार करेगा उसका नेवल वर्जन भी तैयार करेगा जिसको वो अपनी वॉरशिप्स के ऊपर वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स के अंदर रख सकेगा तुर्की अपनी आर्मी के लिए भी इसका एक हाई मोबिलिटी वर्जन तैयार करेगा जिस तरह से अमेरिकन ने तैयार कर रखा है फिर हो सकता है कि तुर्की इस मिसाइल को एक फिक्स लैंड बेस्ड वर्जन के तौर पर भी इस्तेमाल करे जिस तरह से इस वक्त नॉर्वे इस एमराम मिजाइल को इस्तेमाल तो कहने का मकसद यह है कि आप बेसिकली एक मिसाइल के ऊपर काम करते हो उसको अच्छा सा करके बनाते हो और जब आप उस हैं जिस तरह से हमने सुन रखा है कि पाकिस्तान भी प्रोजेक्ट अर्न तहत टू एयर मिजाइल के ऊपर वर्किंग कर रहा है तो अगर पाकिस्तान इस तरह का एक मिजाइल बनाने में कामयाब हो जाता है और वो हमारी एयरफोर्स के मैारे पूरा उतरता है तो फिर पाकिस्तान उस मिजाइल को और मकान के लिए भी इस्तेमाल कर सकेगा पाकिस्तान उसको अपनी नेवी के लिए भी इस्तेमाल कर सकेगा आज जो हमने ये टाइप जीरो फाइव फोर वाला जहाज चाइना से परचेज किया है इसके अंदर वर्टिकल लॉन्च सिस्टम मौजूद हैं इनके अंदर हम जो मिजाइल इस्तेमाल करेंगे वो एक चाइनीज मेड मिजाइल है कल को हम इसके अंदर अपना एक मिजाइल जो है वो रख सकते हैं जो कि हमें सस्ता भी पड़ेगा लॉजिस्टिकली भी जो है वो हमें आसानी से अपने मुल्क के अंदर ही दस्तियाब होगा और हमें चाइना से उसको इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगा तो ये चीजें जो है आपको देखनी चाहिए पाकिस्तान को भी देखनी चाहिए कि एक मिसाइल तैयार करने के बाद उससे आप मुख्तलिफ किस्म के फायदे जो है वो ले सकते हैं तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो ये थी आज की इंफॉर्मेशन होपफुली आपको पसंद आई होगी कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय से जरूर आगा कीजिएगा आज के लिए बस इतना ही थैंक यू अल्लाह हाफिज